कपिल नगर में एक आरोपी के घर की तलाशी में देसी पिस्तल और एक जिंदा कारतूस पुलिस ने जब्त की है। तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें दो छात्र शामिल हैं। एक आरोपी सैलून की दुकान में काम करता है और आरोपियों से पिस्तल व कारतूस सहित 26,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार क्राइम ब्रांच के सामाजिक सुरक्षा दस्ते को गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिली कि रंगू बाजीराव नगर मसाला कपिल नगर निवासी हिमांशु बिजेंद्र सिंह के पास देसी पिस्तल है जो कट्टा जैसा दिखता है और घर में छिपा कर रखता है। पुलिस ने घर पर दबिश देकर अलमारी से एक देसी पिस्तल व एक जिंदा कारतूस सहित करीब 26,000 रुपए का माल जब्त किया है। पुलिस निरीक्षक कविता इसारकर ने आरोपी हिमांशु सिंह से जब पिस्तल के बारे में पूछताछ की तो उसने राज प्रभु इलिमकर कुशीनगर निवासी से खरीदने की जानकारी दी। पुलिस ने राज इलिमकर को गिरफ्तार किया तो उसने आरोपी योगी और प्रवेश रमेश सिंह ठाकुर कुशीनगर निवासी का नाम बताया। पूछताछ में योगी ने बताया कि उसने पिस्तल बिहार से मंगवाई थी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।